अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम चीज शेयर करने जा रहे हैं वो है कि दिसंबर के महीने में यानी 1 दिसंबर 2021 में आपकी जो पे है वो कितनी इंक्रीज होगी। मतलब हम सब जानते हैं कि दिसंबर की जब पे स्लिप आती है जो कि हम नेक्स्ट ईयर के जनवरी में जो हम पे स्लिप लेते हैं उस पर पे हमारी इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मली सबकी इंक्रीज होती है जितने भी कॉमन सर्वेंट्स हैं, तो हर एक को एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है 1 दिसंबर को। तो इसी तरह सारे जितने भी वफाकी मुलाजमीन हैं या सूबाई मुलाजमीन हैं सबको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो मिलने के बाद आपकी पे कितनी भर जाएगी। मैं स्टेप वाइज यानी सारे BPS 1 BPS 2 एंड ऑनवर्ड्स सारे के सारे जितने भी BPS हैं इनका मैं ये हर एक का बताऊंगी कि हर एक BPS की जो सैलरी है टोटल सैलरी है उसमें कितना इंक्रीज आएगा। राइट right? तो ये जो है ये फेडरल के जो जितने भी फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी ये सबके लिए बराबर ही होगा। तो सबसे पहले इसमें जो मैं एक बात क्लियर कर दूं वो न्यू अपॉइंटीज के लिए है कि जो भी जिन जिन लोगों की भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है इस ईयर में यानी 2021 में, तो अगर तो उनकी अपॉइंटमेंट 1 जून 2021 से पहले हुई है तो उनको जो ये एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर उनकी 1 जून 2021 के बाद हुई है तो उनकी, क्योंकि सर्विस को भी 6 मंथ्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, 6 मंथ्स कंप्लीट होना किसी भी पे स्केल में जरूरी होता है आपको एनुअल इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर उनको 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। राइट right? तो ये जो चीजें हैं ये हम साथ के साथ डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे आपको समटाइम्स एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, तो मैंने इसको बहुत डिटेल में अपनी एक दो वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है जिनका मैं इंशाल्लाह लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो आप वहां जाके फिर चेक कर सकते हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। आज की वीडियो में जो सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये देखिए, मैंने इनिशियल पे एंड अलाउंसेस एडमिसिबल टू एम्प्लॉयज ऑन 1st अपॉइंटमेंट यानी 1st अपॉइंटमेंट में जो आपको इनिशियल पे एंड अलाउंसेस मिलते हैं सभी एम्प्लॉयज को वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले बेसिक पे है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, फिर ये हमारे पास 5 एडहॉक रिलीफ्स हैं। एडहॉक रिलीफ 2016, 2017, 2018, 2019 एंड नाउ 2021। ठीक है, तो ये जो बेसिक पे और जितने भी ये अलाउंसेस हैं ये आपको मैंने जो आगे इनकी अमाउंट लिखी हुई है वो आपको इनिशियल जो स्टेज है वो लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ पे एंड सॉरी कुछ अलाउंसेस जो हैं वो आपके फ्रीज हैं, वो आपके एनुअली नहीं भरते हैं या पे के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होते हैं, और कुछ अलाउंसेस जो हैं वो आपके फ्रीज नहीं है वो पे चेंज होने के साथ साथ चेंज होते हैं। इसमें ये जो मैंने एम्बॉलमेंट्स लिखे हुए हैं यानी बेसिक पे, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये पे अलाउंसेस जो मैंने लिखे हुए हैं ये हर एक महकमा ये पे एंड अलाउंसेस दे रहा है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ठीक है, अब इसके अलावा मिनिस्ट्रीज या डिविजन्स हैं, और इसके अलावा जो भी मिनिस्ट्री या डिविजन जिसमें भी आप जॉब करते हैं उनके अपने अलाउंसेस भी होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो हर एक को नहीं मिलते इसलिए वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि ये बेसिक पे हैं और ये अलाउंसेस हैं, और बेसिक पे जो है वो हमारी चेंज होती है एवरी ईयर बेसिक पे हमारी चेंज होती है। अगर तो रिवीजन हो जाए पे स्केल की तब भी चेंज होती है, लेकिन अगर रिवीजन ना भी हो तो भी हमारी बेसिक पे जो है वो 1 दिसंबर को चेंज हो जाती है हर साल। ठीक है, क्योंकि इसमें एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। अब एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो BPS के साथ साथ वेरी करता है, और वो मतलब BPS 1 का एनुअल इंक्रीमेंट और है, BPS 2 का एनुअल इंक्रीमेंट और है, तो वो हमारा मतलब साथ के साथ आपको एनुअल इंक्रीमेंट जो भी आप जिस भी पे स्केल में होते हैं एनुअल इंक्रीमेंट लगता जाता है।
लेकिन जब आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है तो आपका हाउस रेंट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और एडहॉक रिलीफ 2016, ये चार अलाउंसेस जो हैं ये चेंज नहीं होते हैं। लेकिन एडहॉक रिलीफ 2017, एडहॉक रिलीफ 2018, एडहॉक रिलीफ 2019 एंड एडहॉक रिलीफ 2021 नहीं आया था, तो एडहॉक रिलीफ 2021 ये जो है ये चेंज होता है। ठीक है, यानी ये चार एडहॉक रिलीफ प्लस आपकी बेसिक पे जो है वो इस दफा चेंज होने जा रही है इंशाल्लाह। तो ये आपको बेसिक पे में जो चेंज आएगा उसकी वजह से इन अलाउंसेस में भी चेंज आएगा। ये जो चार अलाउंसेस हैं ये भी चेंज होंगे। बेसिक पे में आपका एक इंक्रीमेंट का इजाफा होगा, वो आपके बीपीएस के हिसाब से होगा, जो भी आपका बीपीएस होगा, और प्लस जो है वो एडहॉक रिलीफ 2017, 2018, 2019 और 2021 ठीक है। तो एडहॉक रिलीफ 2017, एडहॉक रिलीफ 2018, 19 और 21 में जो इजाफा होगा वो जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा उसका 10% इजाफा होगा। यानी हर एक एडहॉक रिलीफ, क्योंकि एडहॉक रिलीफ जो है वो 10% है बेसिक पे का, या जो ग्रेड 17 एंड अबव है उनका 2019 का एडहॉक रिलीफ था वो 5% था 17 एंड अबव का, तो वो 5% है, तो वो उस हिसाब से, मतलब जिनका 5% था उनका 5% के हिसाब से इजाफा होगा, जिनका 10% था उनका 10% के हिसाब से इजाफा होगा। तो चलिए आइए हम ये अपनी जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर एक बेसिक पे के बेसिक पे स्केल के हिसाब से बताऊंगी कि उनका कितना उनकी पे में चेंज आएगा। राइट, ये देखिए, ये मैंने बेसिक पे स्केल 2017 जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इनका मिनिमम यानी जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, तो ये उनका वो वाला स्टेज है, और फिर एनुअल इंक्रीमेंट इसमें 290 प्लस होता जाता है हर साल, और फिर मैक्सिमम जो स्केल है या मैक्सिमम जो स्टेज है वो 17,830 है। तो इसी तरह ये जितने भी पे स्केल्स हैं, इसकी स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर एंड ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो ये जो ग्रेड 16 तक इनकी 30 स्टेजेस होती हैं। राइट, मतलब आप ग्रेड 16 तक आप इसकी 30 स्टेजेस जो हैं वहां तक आप हर साल आप एक एक एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलता चला जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि जब भी आप एक स्टेज पर होते हैं तो अगले साल आपको उससे नेक्स्ट स्टेज पर जाना होता है, और अगले साल फर्ज करें अगर आप बीपीएस वन की फर्स्ट स्टेज पर हैं तो नेक्स्ट ईयर आप उसकी बीपीएस वन की सेकंड स्टेज पर जाएंगे, और उससे अगले साल आप बीपीएस वन की थर्ड स्टेज पर जाएंगे, और वो जो स्टेजेस हैं वो एनुअल इंक्रीमेंट के प्लस होने से आप हासिल करते जाते हैं। ठीक, तो ये जो बेसिक पे स्केल्स हैं 2017 के, इनके ऊपर भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। अगर आप इसको उस तरह से देखना चाहते हैं, यानी आप अपनी नेक्स्ट स्टेज देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेज कौन सी होगी, तो आप वो वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हैं। और प्लस आप लेकिन इस वीडियो में जो है मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीज आएगा। तो आइए चलिए हम उस तरफ चलते हैं, और मैं आपको वो बताती हूँ कि आपकी सैलरी जो है वो स्टेप वाइज, मतलब हर एक ग्रेड के हिसाब से उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज आने वाला है। यहाँ देखिए, ये मैंने बेसिक पे स्केल 2017 लिखे हुए हैं, और ये पे स्केल्स है, ये जो फर्स्ट कॉलम है हमारा ये स्केल्स का है, जिसमें ये मैंने नंबर वन एंड नंबर टू किया हुआ है। इसको मैंने कलर्ड इसलिए किया है ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि ये जो पूरा एक कलर है वो एक ही पे स्केल का है। ठीक है, अब इसकी मिनिमम स्टेज जो है वो ग्रेड वन की 9,130 है, एनुअल इंक्रीमेंट इसमें 290 है, और मैक्सिमम जो इसकी स्टेज है वो 17,830 है। और इसमें जो आपकी सैलरी में इंक्रीज आने वाला है बीपीएस वन की
जो सैलरी है टोटल सैलरी उसमें इंक्रीज आने वाला है 406 रुपीज। 406 रुपीज किस तरह से बने हैं ये मैंने आपको पहले बताया कि एक तो इंक्रीमेंट का चेंज आएगा जो कि आपकी बेसिक पे होगी और उसके अलावा 4 एडहॉक रिलीव्स जो हैं उसमें भी 10% चेंज आएगा। ठीक है, जितनी आपकी इंक्रीमेंट है मतलब अगर आपकी इंक्रीमेंट 290 रुपीज है तो 29 रुपीज जो है वो 4 एडहॉक रिलीव जो है 17, 18, 19 और 21 ये 4 एडहॉक रिलीव जो है इसमें भी 10% इंक्रीज आएगा मतलब वो 29 रुपीज हर एक एडहॉक रिलीफ में बढ़ जाएगा। तो टोटल जो आपकी सैलरी में इंक्रीज आने वाला है वो 406 है। बीपीएस 2 की सैलरी में जो इंक्रीज आएगा वो 462 है। बीपीएस 3 की सैलरी में जो इंक्रीज आएगा वो 546 है। अब हर एक का मैं नहीं बता रही हूँ कि ये किस तरह से है, जैसे बीपीएस 1 की सैलरी का मैंने आपको बताया कि एक तो आपको इंक्रीमेंट लगेगी प्लस 10% जो है इंक्रीमेंट का 10% आपके जो एडहॉक रिलीव है वो भी भर जाएंगे। तो बीपीएस 3 का मैं आपको एक दफा फिर से बता देती हूँ कि जैसे 390 आपकी इंक्रीमेंट है वो आपको मिलेगी जो कि आपकी बेसिक पे में शामिल हो जाएगी और प्लस जो है एडहॉक रिलीफ 17, 18, 19 और 21 यानी जो एडहॉक रिलीफ 17, 18, 19 और 21 उसमें भी 39 रुपीज जो है वो इजाफा हो जाएगा। अब 39 रुपीज सब में इजाफा हो गए 39 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 390 तो आपके टोटल जो है वो 546 रुपीज का इजाफा होगा टोटल सैलरी में। ठीक है, बाकी आपके सब अलाउंसेस फ्रीज हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात वाजे करती चलूँ कि मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ ये इन जनरल होती है, यानी जनरली जो जितने भी वफाकी इदारे हैं उसके हिसाब से मैं बनाती हूँ। अच्छा, अगर किसी खास इदारे में कोई ऐसा अलाउंस है जो कि फीस नहीं है और वो बीपीएस के साथ बढ़ता है तो ऑब्वियसली आप उसको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इन जनरल जो भी जनरल वफाकी इदारे जितने भी हैं मतलब फेडरल इदारे जितने भी हैं और प्रोविंशियल इदारे जितने भी हैं उनमें जो जनरल अलाउंसेस होते हैं पेयर अलाउंसेस जो जनरली मिलते हैं मैं उनकी बेस पर ही वीडियो बना रही हूँ। बीपीएस 4 में आपको जो है 616 रुपीज का इंक्रीज मिलेगा। बीपीएस 4 के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी पे 616 रुपये भर जाएगी। फिर बीपीएस 5 में 700 रुपीज का इंक्रीज मिलेगा यानी 700 रुपये आपकी पे भरेगी मिला के कुल मिला के। ठीक है, और बीपीएस 6 जो है वो आपका 784 रुपीज का इंक्रीज होगा। बीपीएस 7 में 854 रुपीज का 854 रुपये का इंक्रीज आएगा। बीपीएस 8 में 938 रुपीज का इंक्रीज आएगा। बीपीएस 9 में 1022 रुपीज का इंक्रीज आएगा। बीपीएस 10 में 1120 रुपीज का इंक्रीज आएगा। बीपीएस 11 में 1232 रुपीज का इंक्रीज आएगा। बीपीएस 12 में 1344 रुपीज का इंक्रीज आएगा। बीपीएस 13 में 1470 रुपीज का इंक्रीज आएगा। बीपीएस 14 में 1638 रुपीज का इंक्रीज आएगा 1638 रुपीज। और बीपीएस 15 में 1862 रुपीज का इंक्रीज आएगा। और बीपीएस 16 की पे जो है वो 2128 रुपीज भरेगी यानी 2128 रुपए। और बीपीएस 17 की जो पे भरेगी वो 3105 रुपीज भरेगी। बीपीएस 18 में जो पे इंक्रीज होगी वो 3875 रुपीज होगी। बीपीएस 19 में 4118 रुपीज पे इंक्रीज होगी। आपके पास 6089 रुपीज का फर्क पड़ेगा में यानी पे इंक्रीज होगी। बीपीएस 21 में 6750 रुपीज का फर्क पड़ेगा और बीपीएस 22 में 7925 रुपीज का इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी ये जो सारी पे इंक्रीज है ये मैंने आपको बता दी है और इंक्रीमेंट जो है वो भी मैंने साथ साथ आपको हर एक का दिखा दिया है कि बीपीएस 1 का इंक्रीमेंट 290 है
ये आप, मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट कॉलम में हमारे स्केल्स लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में मिनिमम जो इनकी स्टेज है वो लिखी हुई है, थर्ड कॉलम में ये इंक्रीमेंट लिखी हुई है, और फिर मैक्सिमम जो स्टेज है वो लिखी हुई है। अगर आपकी किसी एम्प्लॉय की स्टेज मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम स्टेज पर है, तो उनके साथ उसको पर्सनल पे कहा जाता है, पीपी कहा जाता है, जो कि एक एनुअल के इंक्रीमेंट के बराबर होती है। तो वो उनको एक अलहदा से, जो कि उनके बेसिक पे का हिस्सा ही ट्रीट होती है हमेशा, मतलब पेंशन में भी बेसिक पे का हिस्सा ट्रीट होती है और वैसे भी वो बेसिक पे का हिस्सा ही ट्रीट होती है, तो वो अलहदा से पर्सनल पे के तौर पर उनकी पे में शामिल कर दी जाती है। ठीक है, यानी उनकी जो पे है वो तो मैक्सिमम स्टेज पर ही रहेगी, यानी आपको नजर आएगी पे, बेसिक पे लिखी हुई 17,830, लेकिन एक पर्सनल पे का नीचे इजाफा हो जाएगा जो कि 290 रुपीज होगा। अगर पहला साल है यानी मैक्सिमम स्टेज पर उनका एक साल अभी गुजरा है, और अगर दो साल गुजरेंगे तो 290 प्लस 290 का इजाफा हो जाएगा, यानी दो इंक्रीमेंट्स का इजाफा पर्सनल पे में लिखा हुआ होगा। तो ये जो पर्सनल पे है वो एज ये जो पर्सनल पे है वो एज बेसिक पे ही ट्रीट होती है, और उनकी पे में भी जो नीचे अलाउंसेस हैं वो पर्सनल पे को शामिल करके ही अलाउंसेस जो हैं वो हमेशा लिखे जाते हैं नीचे। ठीक है, यानी उनकी पे में भी जो एडहॉक रिलीफ है, एडहॉक रिलीफ 17, 18, 19 और 21, उनकी पे में भी ये अलाउंसेस भी इनके बढ़ जाएंगे उसी तरह से जैसे बाकियों के बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम स्टेज पर हैं तो ये आपके लिए है कि आपको एक जो इंक्रीमेंट है एज पर्सनल पे आपकी पे में शामिल कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं इस सिलसिले में, या आप किसी चीज पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई चीज आपको कम लग रही है या आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो काइंडली कमेंट्स में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।